दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी स्नेहांकुर देशिंग पर। मनुष्य की अनेक चाहते होती है, ख्वाहिशें होती है, ढेरों तमन्नाएं होती है। इन्हीं सब इच्छाओं में से एक इच्छा होती है पक्षी बनने की, परिंदा बनने की। जी हाँ, बिल्कुल, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में जरूर एक ना एक बार यह विचार मन में लाता है कि काश वह एक पक्षी होता। तो चलिए इसी विषय पर यह बहुत सुंदर निबंध। काश यदि मैं पक्षी होता, दुनिया की मुफ्त सैर करता, पंख फैला कर आकाश को चूमता, सृष्टि की सुंदरता जी भर के देखता। यदि मैं पक्षी होता, मेरा शरीर बहुत हल्का होता, मैं आकाश में अपने पंख फैला कर स्वच्छंद उड़ता, सुबह सबसे पहले उठकर अपनी मधुर आवाज से सबको आकर्षित करता, सृष्टि में नई उमंग भर देता, अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाता ताकि कोई मुझे तकलीफ ना पहुंचाए, मेरे नन्हे बच्चों को चोंच से खाना खिलाता, मैं प्रकृति की गहराई से जुड़ जाता, फलों का इच्छा अनुसार आस्वाद लेता, फूलों की महक मन में भरता, मैं दूर गांव के रिश्तेदारों से बिना गाड़ी के आसानी से उड़ जाकर मिलाता, नदी सागर पहाड़ों का सौंदर्य मैं जी भर कर देख लेता, सभी पक्षियों से घुल मिलकर रहता, एकता का महत्व सबको बताता, बिना पासपोर्ट वीसा के दूर दूर के देशों की मैं सैर करता, मैं मानव से मित्रता का संबंध स्थापित करता, किसानों के खेत में से छोटे बड़े कीड़े मकोड़े खाकर मैं खेत की रक्षा करता। मैं जानता हूँ कि पक्षी बनकर मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं होगी। इंसान पेड़ों को काटता चला है, पक्षियों को कैद करता चला है। मैं मानव से प्रार्थना करूंगा कि पेड़ों को मत काटो, पेड़ हमारा जीवन है। गर्मी के दिन छत पर थोड़े अनाज के दाने और पानी का बर्तन रखो जिससे हमारा जीवन बचे। आज दिन प्रतिदिन हमारी संख्या घट रही है, यह बहुत बड़ी समस्या है। हम कभी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, हम मासूम हैं, हमें बचाओ, नहीं तो एक दिन हम पक्षी सिर्फ चित्र में दिखाई पड़ेंगे। इसी प्रकार यदि मैं पक्षी होता, पक्षियों के जीवन की पूरी अनुभूति लेता,